तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो स्प्लेंडर BS4 है और जो नई स्प्लेंडर BS6 है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर क्या अपग्रेड हुआ है BS4 स्प्लेंडर से BS6 के अंदर। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये है जो BS4 वर्जन है उसका है। उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो इधर राइट साइड वाले में है और लेफ्ट साइड वाले में किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं है। ये जो है अब आप देख रहे हैं BS6 का है। इसमें जो साइड स्टैंड इंडिकेटर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है और जो राइट साइड वाला पैनल है यहाँ पे एक नया इंडिकेटर आया है जो है कि इंजन माल फंक्शन का इंडिकेटर है जो कि BS6 के अंदर है। तो बस ये इतना सा चेंजेस है BS6 वेरियंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो ये BS6 का जो फ्रंट है वहाँ पे जो ग्राफिक है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये अभी आप BS6 देख रहे हैं और अभी ये जो वर्जन है ये BS4 है, उसके में देखिए ग्राफिक किस टाइप से थे। तो जो बाइक का टैंक पैनल है वहाँ पे जो ग्राफिक है वो भी चेंज हुए हैं। ये अभी आप BS4 के जो ग्राफिक है वो देख रहे हैं और इसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिया गया है। अब जो BS6 के जो ग्राफिक है वो कुछ इस तरीके के हो गए हैं। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो हुआ है यहाँ पे इंजन के अंदर, जिसमें कि FI इंजन है BS6 के अंदर, जिसके कारण कि जिसका माइलेज है वो 5 किलोमीटर के अराउंड थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो हीरो के पास FI काफ़ी पहले से, और ये है BS4 वाला जो कार्बोरेटर वर्जन है वो। उसके बाद जो चेंजेस हैं वो यहाँ साइलेंसर के अंदर है। जो ये BS4 है ये इसका साइलेंसर आप देखिए इस टाइप का है, और इसको अभी चेंज करके जो अपनी BS6 आई है उसके अंदर कुछ इस टाइप का साइलेंसर कर दिया गया है। तो साइलेंसर में यहाँ एक और बड़ी बात है कि जो आगे के साइड यहाँ पे ये कैटेलिटिक कन्वर्टर दिया गया है और जो साइलेंसर है काफ़ी पतला कर दिया गया है, मतलब काफ़ी चेंजेस है साइलेंसर में। तो BS6 के अंदर जो ब्रेक पेडल है वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप का एंगल दिया हुआ है, जिससे कि गर्म साइलेंसर के पाँव नहीं लगता। जो पुराना है उसमें ब्रेक पेडल कुछ इस टाइप का था। तो जो BS4 है उसमें कुछ इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है, जबकि जो नई BS6 आई है उसमें लोगो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है इंजन पर। तो BS6 वेरियंट के अंदर यहाँ पर जो टायर मिलते हैं वो C8 के 8100 वाले टायर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे टायर हैं। जबकि जो पुरानी BS4 वाली जो वेरिएंट है उसके अंदर जो टायर हैं वो TVS के ट्यूबलेस ही है, हालांकि 8100 वाले ही हैं। BS4 वेरिएंट में कुछ ग्राफिक इस टाइप के हैं और जो BS6 है उसमें ग्राफिक कुछ चेंज हो गए हैं, थोड़े से ऐसे हो गए हैं। तो BS4 वेरिएंट का जो इंजन है उसके लेफ्ट साइड में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जबकि जो नई BS6 है उसमें जो इंजन का लेफ्ट साइड है वो कुछ चेंज होके ऐसा हो गया है। तो BS6 के कुछ फीचर्स में जो इंजन है वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लिए एक सेंसर दिया हुआ है जो कि इंजन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करता है, साथ ही जो ब्रेक पेडल है उसमें कुछ इस टाइप से प्रोटेक्शन जो मैंने पहले बताया वो, और यहाँ पर जो ये सेल्फ मोटर है इंजन के ऊपर वो है, और यहाँ पे जो इंजन है जैसे कि पहले बताया ये प्रोग्राम्ड FI वर्जन है। पेट्रोल टैंक पे स्पेशल वार्निंग दी हुई है कि कभी भी पेट्रोल टैंक को फुल नहीं करवाना है। हैंडल के स्विचेस की बात करें तो जो राइट साइड है वहाँ पे जो इग्निशन है उसका स्विच मिलता है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हाई बीम लो बीम का और इंडिकेटर का स्विच मिलता है, साथ ही साथ यहाँ नीचे की साइड हॉर्न का स्विच मिलता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे BS4 और BS6 वेरिएंट के अंदर। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके भी कोई सवाल या जवाब है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, हुआ तो मैं उन सभी का जवाब दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।